देखिए, भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है कि दिल्ली का अगला मेयर भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है, और जब मैं ये कह रहा हूं उसका रीजन है, एमसीडी मेयर के चुनाव में आसान नहीं है आम आदमी पार्टी की राह। ये सेंटेंस सुनने के बाद आपको लगेगा कि जब आम आदमी पार्टी को बहुमत मिली तो चिंता किस बात की। आज इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों बीजेपी आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ा रही है। दरअसल एमसीडी चुनाव एक ऐसा चुनाव है जहां पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के करीबी व नाराज आप पार्षद अपनी ही आलाकमान को गच्चा दे सकते हैं। इस बात की चिंता चुनाव परिणाम आने के बाद खुद आम नेताओं ने जाहिर की थी। दरअसल दिल्ली नगर निगम में 15 साल तक सत्तारूढ़ रही बीजेपी चुनाव में आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के बाद महापौर व उप महापौर के साथ ही स्थायी समिति के चुनाव में भी चुनौती देने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने फैसला लिया है कि सभी पदों के लिए अपना उम्मीदवार वो उतारेगी। बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा नामांकन के अंतिम दिन यानी कि 27 दिसंबर की सुबह तक होने की संभावना है। अब दिलचस्प बात ये है कि एक दिन पहले प्रदेश बीजेपी की शीर्ष बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि अकेले आप के पास मैदान खाली न छोड़ा जाए और पार्टी पूरे दमखम के साथ बाकी चुनाव लड़े। बीजेपी के इस फैसले की वजह से 6 जनवरी को होने वाला चुनाव दिलचस्प हो गया। अब मेयर डिप्टी मेयर पद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ ही निर्दलीय पार्षदों की भूमिका काफी अहम हो गई है। दरअसल भाजपा के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी अपने तीनों पार्षदों को एकजुट रखने की चिंता करने लगी है। अगर ब्रीफ में बताएं तो एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 250 में से 134 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी के खाते में 104 सीटें आई। दोनों के बीच जीत का अंतर महज 30 सीटों का रहा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 तथा 3 निर्दलीय पार्षद हैं। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित 13 आम आदमी पार्टी व 1 बीजेपी के विधायक के साथ दिल्ली के सभी लोकसभा व राज्यसभा सदस्यों की भूमिका अहम हो गई है। अब सवाल यही उठता है कि बीजेपी ने बोल दिया है कि वो मैदान खुला नहीं छोड़ेगी। ऐसे में बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ाती जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ पार्षद क्रॉस वोटिंग करें और उन पर कोई दंडात्मक प्रतिक्रिया भी ना हो। क्यों? क्योंकि वहां पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।